हैं। पढ़ाई करते हो कितने साल हो गए? तो खुद के लिए कोई अमीर बनाने का फार्मूला है आपके पास? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are finding well and start a fresh blog. तो बेसिकली हमारा जो गांव है, अगर वहां से हमें कोई जनरल सामान लेने आना होता है तो हम ये खपरिया मार्केट आते हैं। 8 से 9 किलोमीटर आना होता है। तो अभी कुछ लोटे वगैरह लिए हैं, और ये क्यों लिए हैं मैं वापस गांव जाके बताऊंगा। गांव पर मैं एक चीज से वो संतुष्ट रहता हूँ भाई, आराम से मैं कार में बैठा हूँ और मेरा नेट चल रहा है, वीडियो अपलोड हो रही है। अभी पहले वाली वो 800 MB की बन गई थी, तो ऊपर रखा मैंने मोबाइल, एक मिनट यार निकाल रहा हूँ, ये देखो कार के ऊपर रख दिया था मैंने मोबाइल, इसमें नेट चल रहा है बढ़िया, 2 MBPS 1 MBPS की स्पीड मिल रही है। तो यहाँ के पूरे 8-10 गांव मिला के भी एक मेन मार्केट है जो कि खबर है। तो हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें पूरा सामान यहाँ पे भी नहीं मिला, तो वापस अब कहाँ जाएंगे? हतनापुर, जो कि यहाँ से वापस फिर 8 किलोमीटर है, चलते हैं। हतनापुर आ गए, इधर से भी कुछ कुछ सामान लेना है। हतनापुर और खपरिया से सामान लाने का, तो सामान का होने क्या वाला है? तो अभी ना 6 महीने पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो 6 महीने बाद जो कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं 6 मासी, और 12 महीने बाद जो कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं 12 मासी। तो पंडित जी ने कुछ सामान की लिस्ट बना के दी थी कि उसे ले आओ, और दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो रहे हैं, मतलब 12 महीने बाद आपको कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो आसपास क्या होता है ना, गांव पे हमारे जितने भी समाज के घर हैं, जैसे बड़े पापा, नाना, काका, इस टाइप में, तो उन सभी को विद फैमिली इन्वाइट करके खाना खिलाया जाता है। आपके यहाँ भी होता होगा, तो ये वो कार्यक्रम है, और इसीलिए हमें 2 जगहों से अलग अलग सामान लाना पड़ा। और भाई छोटे से गांव में आपको जाना ही पड़ता, अगर सिवनी भी जाना पड़ता वापस तो सिवनी भी आते हैं। पिज्जा बर्गर नहीं खाते अपन, अच्छे अच्छे अपन सब्जी दाल सब्जी खाते हैं, अपन दाल सब्जी रोटी खाते हैं। तुम भी आरिया बिस्किट मत खाया करो। मैं आ जाओ आ जाओ। तो ये जो रिवर्स करते हैं ट्रैक्टर ट्राली, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतना कुशल ड्राइवर कब बनूंगा कि मैं अपनी स्कॉर्पियो ऐसे रिवर्स करके एक ही बार में फिट कर पाऊँ। चार छह लोग एक ही बार में कर लेते हैं पूरी रिवर्स, मजा आ जाता है देख के। आंदो 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 आंदो, ऊपर करो ऊपर, बहुत बढ़िया। तो चाचा ने ट्राली ऊपर करी और नली फट गई, नली फटने के बाद पूरा ऑयल नीचे गिर गया, ये देख सकते हो यार, पूरा सत्यानाश हो गया। तो मैंने अभी 2-1 साल पहले तक गुलाब जामुन खाता नहीं था, लेकिन अभी 1-2 सालों से मुझे गुलाब जामुन बड़ी पसंद आने लगी है। तो यार मस्त तरीके से बढ़िया फंक्शन हो गया, सब रिलेटिव्स वगैरह आ गए थे, सबने खाया पिया, बढ़िया मस्त मजा आ गया। और पूड़ी बनी थी, तो पूड़ी मेरे को ना बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर मैंने ना मम्मी से बोल के रोटी बनवाई थी, तो मम्मी ने रोटी बनाई थी तो मैं वो भी नहीं खा पाया था, इधर उधर मतलब लगा हुआ था कहीं कहीं, तो अभी रोटी खाई जस्ट। और अब अभी शाम के बज गए 5 बज रहे हैं, थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा कूल हो गया है, तो बस होशंगाबाद निकल जाते हैं यहीं से, सब भूल गया बट याद है। तो कल यार 1-1.5 घंटे से होशंगाबाद आने में ज्यादा लगे, क्योंकि रास्ते में बीच में जो गांव के नाम है काफी कंफ्यूज कर रहे थे, मकड़ी टप्पर, पीपल बेर, फिर उसके बाद हतनापुर, फिर इधर टिगरिया के लिए कटे, टिगरिया डोलरिया, फिर इधर होशंगाबाद टच हुए, और कंफ्यूज ये भी हो रहे थे कि अगर बीच में घूम गए तो वैसे पेट्रोल महंगा है, हमारे पेट्रोल के पैसे भी लग जाएंगे, समय भी खराब हो जाएगा, और शाम भी हो रही थी, बट इन द एंड हम पहुंच ही गए। और जो मेन पर्पज था यहाँ आने का, सो द पर्पज ऑफ आई एम ऑलरेडी टेल यू इन द लास्ट ब्लॉग, तो मोनेटाइजेशन में क्या हो रहा है, मैं कुछ अपने ब्लॉग्स में छोटी छोटी क्लिप्स यूज करता था, कुछ फनी क्लिप्स संजय दत्त की कर ली, कभी कैरी मिनाटी की कर ली, तो 1-2-3-4 सेकंड की जो भी क्लिप्स थी मेरी वो दिक्कत कर रही है। उसमें क्या बोला मोनेटाइजेशन, उन्होंने बोला कि भाई ये क्लिप्स हटा दो या तो रिमूव कर दो, हम आपको मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी बोली है। तो भाई उसके लिए डेस्कटॉप चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं है घर पे, वहाँ पे सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम मामा जी के यहाँ चलते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के बढ़िया अपन अपना काम कर लेंगे, और जो मोनेटाइजेशन का एरर है वो हटा देंगे। अब 11 जून को मैं रिप्लाई करूँगा, संघर्ष देख रहे हो यार, इसकी आवाज़ सुनो एक बार, समझ रहे हो? मैं जस्ट डेस्कटॉप पे बैठे था एडिट करने अपनी वीडियोस को, और लाइट चली गई, बट कोई नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है, छत पे अपन घूमने आ गए। और माँ जी अब एक आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इतना टाइम से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अपने को मोनेटाइजेशन में भी इतनी दिक्कत आ रही है, तो आप बताओ आपके हिसाब से कि भैया आगे बिल्ड करना चाहिए कि नहीं यूट्यूब? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 2 साल हो गए करते करते, व्यूज आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाई करते हुए कितने साल हो गए? पढ़ाई करते हुए मेरे को हो गए 12 साल वो, और अभी 3 साल जे 13, 15, 3, 18 साल। 18 साल पढ़ते हुए अभी तक क्या कर लिया पढ़ के? पढ़ के 18 साल से कुछ नहीं किया अभी। तो 2 साल में अपन बोर हो गए कि यूट्यूब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ यूट्यूब करना चाहिए, संघर्ष जो आप आज कर रहे हो इसका फल आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जल्दी ही मिलेगा। तो 2 सालों में अंतर दिखने लगता है ना? अंतर दिख रहा है ना, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाए ना 2 साल पहले, तो कर पाए थे क्या? वो भी कितनी मेहनत करी तब, तो मेहनत पढ़ने में नहीं करी, नहीं करी इसीलिए। और मैंने कहा वैसे भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें दूसरों को अमीर बनाना सिखाता है,
दूसरों को दूसरों के लिए काम करना सिखाएगा, आप अच्छे से खूब पढ़ा लिखा दोगे, फिर कहोगे ये फलानी कंपनी में काम करो, इसके लिए करो, उसके लिए करो। तो अब ऐसी स्थिति में आप बताओ कि आपको खुद के लिए कोई अमीर बनाने का कोई फार्मूला है आपके पास? बस यार अपन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, विदेश से थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस नीचे लाइक करें, कमेंट करें, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, बाय।